ज्यादा न कहकर के संक्षिप्त में आपसे कभी एक बात कहूंगा कि सारे इकट्ठे हो जाओ, सबको इकट्ठे कर लो। सारे जब इकट्ठे होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश में आपको 3 साल इंतजार करने की जरूरत। मुझे ऐसा दिखाई देता है, मैं कोई जोशी और मजलूमी नहीं, लेकिन परिस्थितियों को देख करके मेरा अंदाजा ये है कि मौजूदा सरकार का गठबंधन टूट जाएगा। बहादुरगढ़ में आयोजित इनेलो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ओम प्रकाश चौटाला ने भविष्यवाणी की है और कहा है कि जल्द ही प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन जिस तरह के प्रदेश में हालात देख रहा हूं, मुझे लगता है कि गठबंधन सरकार टूटने वाली है। इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं का भविष्य उज्जवल है। हर नागरिक को सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ताएं तो बदलती रहती, लेकिन नीति नहीं बदल जाती। हम नीति ऐसी तय कर देंगे कि भविष्य में आपको इस प्रकार की सरकार का कभी वास्ता नहीं आएगा। इस सबके लिए आपकी जिम्मेवारी है। मैं ज्यादा न कहकर के संक्षिप्त में आपसे कभी एक बात कहूंगा कि सारे इकट्ठे हो जाओ, सबको इकट्ठे कर लो। सारे जब इकट्ठे होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश में आपको 3 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा दिखाई देता है, मैं कोई जोशी और मजलूमी नहीं, लेकिन परिस्थितियों को देख करके मेरा अंदाजा ये है कि मौजूदा सरकार का गठबंधन टूट जाएगा, इनमें भगदड़ मच जाएगी। इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ करके आपके साथ शामिल हो जाए, और जब सरकार अलंबन होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित, और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर आपकी जीत निश्चित है या नहीं, और जब हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी तो फिर उसका अनुसरण देश के दूसरे प्रदेशों के लोग भी करें, सारे देश का वातावरण बदलेगा। और जैसा मैंने अभी बताया, 36 बिरादरी के लोग जो इस आंदोलन में इकट्ठे हैं वो आखिरी सांस तक इकट्ठे रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। भारतवर्ष पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में अतीत में हुआ करता था। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने एलनाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला की जीत के लिए इनेलो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और भविष्य में रूठे हुओं को मनाने और एकजुट होने का भी आह्वान किया। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने मंच के माध्यम से कार्यकर्ताओं को अपने लहजे में कहा कि राज बना दो फिर थारे सारे खोटड़े काट दूंगा। ओम प्रकाश चौटाला के शब्दों ने इनेलो कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।